कि मेरे अंदर नर्वसनेस नहीं है, मुझे लगता है कि मैं ओलंपिक के लिए 100% रेडी हूँ। और जितना मुझसे लोग होप करेंगे मैं उतना अच्छा करती हूँ। कोशिश मेरी यही है कि मैं वो करिश्मा करके दिखाऊं कि सब लोग बोले कि हाँ, कि जब भी रेसलिंग में लड़कियों में नाम आए तो बोले कि विनेश को ओलंपिक में सबसे पहले मेडल आया था। मुझे बोला नहीं उन्होंने कभी, लेकिन क्वालिफाई के बाद बता रहे थे कि मुझे लग रहा था कि इसका क्वालिफाई अब कहीं ना हो, तो मुझे काफ़ी दुख हुआ था कि जब घर वाले ही उम्मीद तोड़ दें तो फिर पूरा देश कैसे उम्मीद कर सकता है। मुझे बिल्कुल ये नहीं था कि मैं लास्ट में क्वालिफाई करूँगी, क्योंकि मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मैं खुद कॉन्फिडेंस में थी कि हाँ, मुझे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में क्वालिफाई करना है। क्योंकि जब हम ओलंपिक में जा रहे हैं तो जो वर्ल्ड में क्वालिफाई करता है उसका ओलंपिक्स में अपोनेंट्स के ऊपर प्रेशर रहता है। मुझे पता था कि हाँ, मेरे साथ साथ बाकी जो लड़कियाँ उनको भी शायद कहीं ना कहीं मोरल डाउन ना कर दे। वो कहीं ना कहीं एक मुझे लगा था कि बहुत गलत हुआ है जो हुआ है। उसके बाद फिर मैं सोचती, चलो कोई नहीं, एशिया में मैं क्वालिफाई करूँगी, एशिया में गोल्ड लूँगी। लेकिन वहाँ भी मेरा नहीं हुआ तो मुझे काफ़ी ये हुआ कि क्या हो रहा है ये, कि मैं ओलंपिक्स में मेडल की सोच रही हूँ और यहाँ क्वालिफाई में भी इतनी दिक्कत हो रही है। फिर मंगोलिया के लिए मैं रेडी हुई। चलो हाँ, मैं चाहती थी वर्ल्ड में क्वालिफाई हो तो वर्ल्ड का मुझे टूर्नामेंट्स मिला है। उसके बाद फिर मंगोलिया में मेरा वेट ही नहीं आया। फिर काफ़ी मतलब दिमाग में भी और एक टेंशन थी, वो थोड़ा सा हो गया था कि अब वेट भी नहीं आ रहा और उसके बाद फिर मैं हार रही हूँ तो क्या करूँ। फिर लास्ट क्वालिफिकेशन राउंड में पहुँच गई। उसके बाद बीच में मंगोलिया के बाद ये आने लगा कि विनेश को क्यों खिला रहे हो, मीडिया में भी एक बात काफ़ी आई, लास्ट राउंड है तो किसी और को चांस दो, क्या पता कोई और क्वालिफाई कर दे। तो फिर खुद में ये गुस्सा आ गया कि हाँ, अब तो मुझे करना है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, चाहे कोई भी आ जाए। तो एक गुस्सा था, वो जो मैं रोई थी वो मेरा गुस्सा था। मुझे ये था कि हाँ, कि अब देखो मैंने कर दिया, अब बोलो कि विनेश क्यों खेली। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, पता नहीं क्यों, कि मैं अब खा जाऊं किसी को। इतना गुस्सा मुझे कभी नहीं आया था कि मैं हार जाऊं ना तो मैं रेसलिंग छोड़ दूंगी। मुझे खुद पे विश्वास था।